हेलो व्यूअर्स, आज मैं बनाने वाली हूँ करौंदे का खट्टा तीखा अचार। और ये अचार बहुत ही जल्दी बन जाता है। कुछ बेसिक इंग्रेडिएंट्स के साथ हम इस अचार को बनाने वाले हैं, तो आइए फिर जल्दी से देख लेते हैं कैसे बनाएंगे इसे। मैं पारुल जिंदल स्वागत करती हूँ मसाला सर्कल में, जहाँ टेस्ट भी और हेल्थ भी। अचार बनाने के लिए मैंने ले लिए यहाँ पर 200 ग्राम के करीबन करौंदे। इन्हें मैंने अच्छे से वॉश करने के बाद सुखा लिया है। अगर इसमें कोई भी ख़राब करौंदा हो तो आप उसे निकाल दें, वरना अचार ख़राब हो सकता है। अब इसका जो ये ग्रीन पार्ट दिखाई दे रहा है उसे भी निकाल देंगे। साथ ही साथ अगर इस तरीके का कोई भी ज़्यादा पका हुआ करौंदा हो तो आप उसे भी निकाल दें। अब इन्हें दो पार्ट्स में कट कर लेंगे, कुछ इस तरीके से, और बीच में से बीज को ज़रूर निकाल दें। ये कड़वा होता है तो इससे अचार कड़वा हो सकता है। इस तरीके से बीज निकालकर सारे करौंदे काट लेंगे। अब एक बाउल में इसे ट्रांसफ़र कर लेते हैं और इसमें डाल देंगे 2 बड़े चम्मच भर के नमक और 2 चम्मच भर के हल्दी और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा हाथों से रगड़ दें जिससे नमक और हल्दी अच्छे से चिपक जाए और ये अपना सारा पानी रिलीज़ कर दे। किसी टॉवल, सूती कपड़े या बड़ी प्लेट में इसे रखकर सुखा लेंगे। अगर धूप तेज हो तो आप उसमें 1 घंटे के लिए सुखा लीजिए, वरना इसे पंखे में अगर आपको सुखाना है तो 1 से 2 घंटे के लिए इसे सुखा लीजिए। जब तक करौंदे सूख कर तैयार होते हैं, इनका मसाला तैयार कर लेते हैं। मैं यहाँ पर 2 बड़ी चम्मच पीली राई ले रही हूँ। आप यहाँ पर सरसों के दाने या छोटी राई भी यूज़ कर सकते हैं। 1 चम्मच मेथी दाना, 1 बड़ा चम्मच सौंफ, 1 चम्मच अजवाइन, 1 चम्मच जीरा। अब इन सभी मसालों को लो फ्लेम पर ड्राई रोस्ट कर लेंगे। एक से दो मिनट में मसालों की भुनने की खुशबू आने लगी है, तो अब इसकी गैस ऑफ कर देंगे और इन्हें ठंडा कर लेंगे। मसाले ठंडे हो गए हैं तो इसे मिक्सर जार में डाल लेते हैं और इनका एक बारीक पाउडर बना लेते हैं। ये मसाले पीसकर रेडी हो गए हैं तो इसमें मिला लेंगे बाकी के कुछ मसाले। मैं यहाँ डाल रही हूँ 1 बड़ा चम्मच के करीबन कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1/4 चम्मच हींग, 1 चम्मच काला नमक, 1 चम्मच तीखी लाल मिर्च। अगर आप अचार को थोड़ा सा तीखा बनाना चाहते हैं तो आप थोड़ी सी तीखी मिर्च ज़रूर डालें, क्योंकि कश्मीरी लाल मिर्च कम तीखी होती है। अब इन सभी मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये मसाले तो रेडी हो गए हैं तो अब हमें इसे डालना है तेल। तो तेल कैसे हमें यूज़ करेंगे वो देख लेते हैं। मैंने यहाँ पर 2 बड़े चम्मच के करीबन सरसों का तेल लिया है और अब इसे तब तक गर्म करेंगे जब तक इसमें से धुआं ना निकलने लगे। हमारा तेल अच्छे से गर्म हो चुका है तो इस तेल को अच्छे से ठंडा होने के लिए रख देंगे। और यहाँ करौंदे भी अच्छे से सूख गए हैं तो अब इनमें मसाले ऐड कर लेते हैं। तो सबसे पहले करौंदों को एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लेंगे और इसमें अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम बनाए हुए मसालों को। अब इसमें मसाले अच्छे से मिल गए हैं तो इसमें जो हमने पहले गरम किया था तेल, जिसे अब हमने ठंडा कर लिया है, अब उसे आधा तेल इसमें डाल देंगे। आधा तेल हमने बचा लिया है और इस तेल को हम यूज़ करेंगे बाद में। एक बार सभी मसालों को अच्छे से फिर से मिक्स कर लेंगे और अब इसे जार में भर लेते हैं। मैंने यहाँ कांच का कंटेनर लिया है। आप कोशिश करें कि कांच के कंटेनर में ही अचार को भरें। प्लास्टिक के कंटेनर्स में ज़्यादा दिन अचार चलता नहीं है और कांच के कंटेनर अचार के लिए सेफ होते हैं। मैंने इस कंटेनर को अच्छे से धोकर सुखा लिया है और अब इसमें अचार को दबा दबा कर भर देंगे। मैंने इस अचार को अच्छे से जार में भर दिया है और अब हम इसमें बचे हुए तेल को डाल देंगे।
हमें सिर्फ इतने ही तेल की ज़रूरत है जिससे ये अचार ऊपर तक कवर हो जाए, और किनारों को अच्छे से साफ कर देंगे जिससे इसमें फंगस ना लग सके। इस अचार को 15 से 20 दिन के लिए धूप में मैच्योर होने के लिए रख देंगे। उसके बाद करौंदे सॉफ्ट हो जाएंगे और खाने के लिए रेडी हो जाएंगे। देखा आपने कितनी जल्दी बन गया ये हमारे करौंदे का अचार। तो अगर आप और भी अचार की रेसिपी देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, और नए नए वीडियोस देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।